तो दोस्तों, अकेडमी ने अभी बिहार और उस बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम है सभी को अभी लॉन्च कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। अन अकेडमी आपको घर बैठे तैयारी कराता है, तो उसी तरह बिहार उसके संबंधित जो भी एग्जाम है वो आपको, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा मेन्स हो, बीआरईएसआई हो, बिहार सीजीएल हो, सभी का एग्जाम की तैयारी करा रहा है अन अकेडमी। तो आप लोग जाइए अन अकेडमी और वहाँ ज्वाइन कीजिए और रेफरल कोड यूज़ कीजिए अभय प्रताप 01, आपको 1440 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, 90% अभी डिस्काउंट मिल रहा है। मैं वहाँ आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और आपको अदर भी एडुकेटर हैं वो भी अन्य सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आप अगर ऑनलाइन बैठकर घर पर तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी आप अन अकेडमी को ज्वाइन कर लें, काफ़ी अभी बेहतरीन मौका है, फिर बाद में इतना डिस्काउंट आप अन अकेडमी से नहीं ले सकते हैं। तो अभी जाएं और आप ज़रूर से ज्वाइन करें। अभी दरोगा मेंस की आपको प्रिपरेशन चल रही है और बीपीएससी का कोर्स लॉन्च हुआ है, तो ज़रूर से जाएं अन अकेडमी और वहाँ अभय प्रताप सर्च करें और वहाँ फॉलो करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल और आप लोग का स्वागत है। मैं आपको दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 24 है, इसके पहले 23 प्रैक्टिस सेट है वो आप लोग देख लीजिएगा। और ये आपको बीएसएससी मेंस का, बिहार ईएसआईपीटी, बिहार दरोगा मेंस, आपको सचिवालय सहायक, जेएसएससी, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चन जो कई बार रिपीट किए जाते हैं ज्योग्राफी के, तो उन्हीं वही क्वेश्चन है। इसका सेकंड बाल ऑफ वीडियो भी जो है वो भी टॉप 25 क्वेश्चन रहेंगे ज्योग्राफी के। तो सॉरी, तो शुरू करते हैं हम लोग। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक जिला है। मैं जल्दी जल्दी आंसर बोलकर चला जाऊँगा, 5 मिनट का वीडियो रहेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिपकीला दर्रा आपको हिमाचल में स्थित है, यह आपको इंडिया है दोस्तों, ठीक है, और यही आपको हिमाचल है। आपको सतलज नदी यहीं से आती है सिपकीला दर्रा से और आपको भारत में प्रवेश करती है, तो सतलज नदी का संबंध भी आपको सिपकीला दर्रा से ही है। जमशेदपुर किस नदी किनारे? तो जमशेदपुर आपको स्वर्णरेखा और खरसावा नदी किनारे हैं, तो आपको या फिर खरसावा नदी होगा या फिर स्वर्णरेखा नदी होगा, ये दोनों के एक्चुअली संगम पर स्थित है, ठीक है। तो आपको कभी ऑप्शन वो दिखता है या फिर वो दिखा है या फिर इन दोनों के संगम के बारे में पूछा जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, आपको भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? तो आपको उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है और यहीं से आपको गोमती नदी फुलहर झील से ही निकलती है और आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती, यानी आपको दाएं से मिलती है? यह है दोस्तों गंगा नदी, ऐसे फ्लो होता है, और सोन नदी इसके आपको ये लेफ्ट साइड या राइट साइड यहाँ से मिलती है, तो सोन नदी इसके बाएं से नहीं मिलती है यानी दाएं से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल जैव आरक्षित कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती हैं? तो एस्चुरी आपको नर्मदा एस्चुरी वो होता है दोस्तों जो सीधा आपको बिना डेल्टा बनाए हुए सीधा नदी समुद्र में गिर जाती है। यहाँ पर जैव विविधता काफ़ी होता है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, तो ऐसी मुख्यतः पहाड़ी नदियाँ ही होती हैं जो आपको एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो आपको राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ठीक है, यही आपको है मानसरोवर है, यहाँ से सिंधु आती है, यहाँ से सतलज और यहाँ से आपको ब्रह्मपुत्र, तो ये तीनों आपको हिमालय काटकर भारत में प्रवेश करती है। रेगुड़ किसका नाम है? रेगुड़ आपको काली मिट्टी का ही नाम है, दक्षिण भारत में इसको रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10, इकोसिस्टम शब्द दिया गया किसका? तो इकोसिस्टम आपको टेंसले का शब्द है, इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाना पक्षी अभियान कहाँ है? तो घाना पक्षी अभियान आपको राजस्थान के आपको भरतपुर में है, यहाँ पर पक्षी अभयारण्य है बहुत फेमस, यहाँ पर कई बाहर के पक्षी आकर यहाँ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी किनारे है? तो आपको झेलम नदी किनारे श्रीनगर, और ये आपको इंडिया है, यहीं पर आपको झेलम नदी बहती है, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ताप्ती हो गई दोस्तों, मुख्यतः यही सब नदियाँ हैं, ये इंडिया है आपको, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार, ये सभी नदियाँ क्या हैं आपको अरब सागर में गिरती हैं, बंगाल में नहीं। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो आपको महानदी पर है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून आपको सबसे पहले आता है? तो केरल में आपको सबसे पहले मानसून आता है 5 जून को। नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी पर्वत है? आपको सतपुड़ा है नर्मदा और ताप्ती के मध्य, ये है आपको दोस्तों इंडिया, और यहाँ आपको विंध्याचल पर्वत, एक नदी यहाँ से बढ़ती है, फिर आपको सतपुड़ा, एक नदी यहाँ से, तो ये आपको नर्मदा और ये ताप्ती नदी है और ये आपको सतपुड़ा पर्वत। क्वेश्चन संख्या 17, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु के आपको स्रोत बिंदु लगभग एक है मानसरोवर, मानसरोवर के बाद यहीं पर आपको सतलज का भी है, काली नदी भी वहीं से निकलती है, तो आपको सी इज द राइट आंसर। मेम्बानाड झील कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है।
अलमाटी बांध आपको कृष्णा नदी पर है, देवताल झील किस राज्य में है, तो आपको ये उत्तराखंड में है देवताल। प्रश्न संख्या 21, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है, तो दोस्तों गुजरात में कच्छ और रण ऑफ कच्छ में आपको ये स्थित है। ये इंडिया का आपको एकमात्र जंगली गधों का अभयारण्य है, ये रण ऑफ कच्छ यानी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन में आपको रण ऑफ कच्छ भी देगा तो आप रण ऑफ कच्छ मार दीजिएगा। प्रश्न संख्या 22, निम्न कौन सी नदी सिंधु की सहायक नहीं है, तो सियोक नदी है दोस्तों, झेलम है और आपको चिनाब है। कोसी नदी आपको सहायक नहीं है सिंधु की, कोसी को आपको मतलब नहीं है सिंधु नदी से, इंडस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हिमालय के अपवाद तंत्र में कौन सी नदी नहीं है। क्वेश्चन सिंपल सा, हिमालय से का संबंध किस नदी से नहीं है, तो आपको महानदी इज द राइट आंसर है। महानदी का संबंध हिमालय से नहीं है, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु सबका नदी आपको संबंध हिमालय से है। महानदी ये है आपको गोदावरी, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 24, अगस्तमलाई जयमंडल किस राज्य में, केरल में है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत है। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा मिलती है, तो पुनपुन नदी जो है आपको फतुहा पास गंगा से मिलती है। तो ये टॉप 25 हो गया, और कल हम लोग वीडियो में देखेंगे 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक। तो ये ज्योग्राफी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।